Hello everyone, welcome back in today's class. We have started exercise 6.4. We have done 5 questions of this exercise in our previous class. Let us start with question number 6. Question number 6, the length of two sides of a triangle are 12 and 15 cm. Between what two measures should the length of the third side fall? मतलब इस question में बोल क्या रहा है कि आपके पास कोई triangle है, एक साइड इसकी 15 सेंटीमीटर की है, दूसरी साइड स्टूडेंट इसकी 12 सेंटीमीटर की है, ठीक है? ये जो तीसरी साइड है, इसकी जो मेजरमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक आपके पास बनेगी, मतलब मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है? आपको वो रेंज निकालनी है। अब हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं सिंपली आपको बताती हूँ, अगर हम इसकी वैल्यू को 1 पुट कर लें, ध्यान से देखो और एक बार रिकॉल करें वो वाली प्रॉपर्टी की, किसी ट्रायंगल के टू साइड का हमेशा जो होता है वो थर्ड से बड़ा होना चाहिए। तो 12 + 1 = 13, क्या 13 15 से बड़ा हुआ? नहीं, इसका मतलब 1 तो हो ही नहीं सकता। हम 2 पे चलेंगे, अगर मैं इसको 2 ले लेती हूँ तो 2 + 12 = 14, अभी भी 15 से छोटा है, मतलब 2 भी नहीं हो सकता। हम यहाँ पे 3 ले लें तो 3 जो है हमारे पास वो इक्वल आ जाता है, मतलब एक नंबर तो हमें पता लग गया 3, है ना, मिनिमम वाला नंबर पता लग गया। यहाँ पे हमें मिनिमम पता लग गया कि 3 से मिनिमम नंबर तो हमारे पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 पे भी आने के बाद हमारे जो दो साइड्स का सम है वो थर्ड के इक्वल हो रहा है। अब मैक्सिमम देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं। मैक्सिमम देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों साइड का सम अगर हम देखें तो कितना बन रहा है, 27। मतलब इस साइड का जो सम है वो 27 से ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो दो साइड का सम जो होता है वो थर्ड साइड के या तो इक्वल हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हैं? आप मैक्सिमम 27 तक जा सकते हैं। बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। सोचो जब आप 27 पे चलेगा तो इन दोनों साइड का सम आपके पास किसके इक्वल हो गया, 27। स्टूडेंट जो ये 27 आपके पास, ये कौन सी लिमिट आ गई आपके पास? ये आपके पास आ गई मैक्सिमम लिमिट। इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। इवन आपको ये भी नहीं लेना, 3 भी नहीं लेना और 27 भी नहीं लेना, क्योंकि इन पे तो इक्वल आ रहा है आपके पास, टू साइड्स का सम थर्ड के इक्वल आ रहा है। तो आप इनके बिटवीन वाले नंबर्स लेंगे। बिटवीन मतलब 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, और आप कहाँ तक जा सकते हैं, ऐसे बढ़ते बढ़ते आप 26 तक जा सकते हैं, ठीक है? आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी कि मिनिमम हमने 3 क्यों लिया, 3 से नीचे लेते ही तो वो प्रॉपर्टी फेल हो रही थी, और 27 या 27 से ऊपर जाते भी वो प्रॉपर्टी फेल हो रही थी। तो कितने नंबर्स, क्या रेंज हो सकती है हमारे पास, वो कौन सी टू साइड्स हो सकती है, वो कौन सी टू मेजर्स हो सकती है जिसमें हमारी थर्ड साइड फोल्ड करेगी। तो मिनिमम हमारे पास हम 3 ले सकते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट हम 27 तक जा सकते हैं। इनके बीच के नंबर्स कोई भी हो वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है? दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और आई होप आपको समझ भी आया होगा। चलिए इसको समझने, नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने से पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो एक पाइथागोरस का आता है। पाइथागोरस आपके पास स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल न्यू है। पाइथागोरस को थ्योरम बोला जाता है, क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है? अब ये एक थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स हमें, इसके केस में हमारे पास एक राइट एंगल का होना बहुत ज़रूरी है। पाइथागोरस लगती ही वहाँ पर है जहाँ पर हमारे पास जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल हो, ठीक है? अब इसमें अभी बाकी जो हमारे पास ट्रायंगल्स होती थी, जैसे आइसोसेलेस, स्कैलेन, इक्विलेटरल, राइट एंगल, राइट एंगल को भी छोड़ देते हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूज, जितनी भी एंगल्स होती थी उसकी आर्म्स को हम सिर्फ साइड का नाम दे देते थे, ए बी बी सी सी डी पी क्यू आर एस और एक्स वाई जेड लाइक दैट। बट इसमें स्टूडेंट्स हम ना इसको डिफाइन कर देते हैं कि वो दो साइड की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं बेस। इसमें बस नेमिंग स्पेशल हो जाती है पाइथागोरस के अंदर, ये बेस होता है, ठीक है? और ये जो परपेंडिकुलर, जो हमारे पास ये साइड है, ये जो हाइट है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम 90 डिग्री भी होता है। इसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी होती है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो ये स्लांट लाइन होती है टेढ़ी, इसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है? इसका नाम क्या हो जाता है स्टूडेंट आपके पास, हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, और ये प्रूवन है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज को मैं स्मॉल में थोड़ा शॉर्ट में एब्रीवेट कर रही हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपके पास बेस के स्क्वायर प्लस आपके पास परपेंडिकुलर के स्क्वायर के हमेशा इक्वल होता है। दिस इज व्हाट आवर पाइथागोरस थ्योरम सेज,
ठीक है, ये हर केस में होता है और ये एप्लीकेबल सिर्फ वहां पे होता है जहां पे आपकी एंग जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल हो। एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं हम, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ये लेट अस टेक, ये आपके पास 13 है, ये आपके पास स्टूडेंट्स कितना है 12 है, और ये आपके पास किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 5, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 13। एक बार पुट करके देख लेते हैं, देखो हाइपोटेन्यूज कितना है 13, 13 का स्क्वायर कर लिया हमने, इक्वल्स टू बेस कितना है स्टूडेंट्स हमारा 12, यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर लिया हमने, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है 5। अच्छा एक बार स्क्वायर का मतलब समझ लेते हैं, स्क्वायर का इस पावर 2 का मतलब होता है 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ऐसे ही 12 का मतलब क्या होता है, ज़्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स क्या होते हैं, बट अभी के लिए आप सिर्फ बेसिक समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। जो ये पावर हेड पे हम 2 लगा देते हैं, इसका मतलब होता है यही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे 3 हम लगा देते हैं इसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 था तो 13 13 के साथ, 12 12 के साथ, और 5 5 के साथ, देखते हैं हमारा ये इक्वल आता भी है या नहीं। स्टूडेंट जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 169, जब आप 12 को 12 के साथ करेंगे तो आपका आंसर आएगा 144, और जब आप 5 को 5 के साथ करते हैं तो आपका आंसर आता है 25। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आई है 169, ऐड करें 169, और इसमें जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखो 4 प्लस 5 9, 4 और 2 6 और ये 1 आ गई ना आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम सेज कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, वो आपके पास किसके इक्वल होता है, उसके बेस के स्क्वायर के इक्वल प्लस उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। ये पाइथागोरस थ्योरम थी जो समझनी बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग अवर न्यू एक्सरसाइज, ठीक है। आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम भी समझ आई होगी, आपको 6 क्वेश्चन भी समझ आया होगा 6.4 एक्सरसाइज का। अगर आपको रियली वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने इसको रियली लाइक किया हो तो वीडियो को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।